Hello everyone, this is Deepshikha and today we are going to start the first chapter of first flight book of class 10th, A Letter to God by G.L. Fuentes. Explanation start karne se pehle, main aapko kuch author ke baare mein batana chahungi. Author hai is chapter ke Gregorio Lopez Fuentes. He was a Mexican novelist, poet and journalist. Unka janm hua tha Mexico mein in November 1897. He started writing at the age of 15 when the Mexican Revolution began. उसके बाद उन्होंने मेक्सिको सिटी में एक स्कूल में लिटरेचर के टीचर की तरह भी जॉब किया एंड देन ही वॉज अवॉर्डेड द नेशनल प्राइज ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज इन 1935. चैप्टर का जो मेन कैरेक्टर है वो है लेंचो. लेंचो एक फार्मर है जिसे गॉड में बहुत ज्यादा डीप फेथ है. ही बिलीव्स दैट गॉड ऑलवेज हेल्प्स पीपल. और जब उसको उसकी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है जो कि उसके फील्ड से रिलेटेड है, बिकॉज उसके फील्ड्स पूरे तरीके से बर्बाद हो जाते हैं ओले गिरने की वजह से, बारिश गिरने की वजह से, तो उसका जो एक सहारा है सिर्फ वो है गॉड. और वो किसकी हेल्प लेने के लिए जाता है, दैट इज गॉड. चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर. द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल. क्रेस्ट मीन्स टॉप ऑफ अ हिल. हियर इन द पिक्चर यू कैन सी यहाँ पर एक वैली है, एक हिल है और हिल के टॉप पर एक छोटा सा घर बना हुआ है. तो जो घर पूरी वैली में एक अकेला घर था वो एक छोटी सी पहाड़ी के टॉप पर बना हुआ था. फ्रॉम द हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड्स ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. डॉटेड मीन्स कवर्ड. जो राइप कॉर्न के फील्ड्स थे दे वर कवर्ड विद फ्लावर्स, मीन्स देर वर सो मेनी फ्लावर्स इन द फील्ड्स, दैट मीन्स the harvest will be very good, कि जो फसल है वो बहुत अच्छी होने वाली है. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Downpour means heavy rain, बहुत ज़्यादा बारिश होना. Shower means थोड़ी बहुत बारिश होना. तो खेतों को यहाँ पर अर्थ का मीन्स है खेत. खेतों को जो थोड़ी सी चीज की जरूरत थी दैट वॉज बारिश. या तो बहुत ज्यादा बारिश हो या थोड़ी बहुत बारिश की उन्हें जरूरत थी. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, intimately means closely, वो अपने खेतों को बहुत अच्छे से, बहुत closely जानता था, had done nothing else but see the sky towards the northeast. यहाँ पर Lencho, जो अपने खेतों को बहुत अच्छे से जानता था, सुबह से सिर्फ northeast की तरफ बादलों को ही देखता रहा, क्योंकि उसे बारिश की उम्मीद थी. Now we are really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." Supper means evening meal. यहाँ पर लेंचो वुमेन से बात करता है. वुमेन means उसकी वाइफ. अपनी वाइफ से बोलता है कि अब हमारे पास हमें बारिश मिलने वाली है, वाटर मिलने वाला है. और जो वुमेन खाना बना रही है she replies yes, God willing, कि हाँ अच्छा ही होगा, भगवान ने चाहा तो. The older boys were working in the fields while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. जब बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे और छोटे लड़के वहां पर ही खेल रहे थे, तभी महिला ने उन सबको खाने के लिए बुलाया. इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल. प्रिडिक्टेड मीन्स से इन एडवांस, पहले से ही किसी चीज के बारे में बता देना, जैसे भविष्यवाणी बोलते हैं कि फ्यूचर के बारे में पहले से ही प्रिडिक्ट कर देना, पहले से बता देना. जैसा कि लेंचो ने पहले ही बताया था, प्रिडिक्शन किया था कि बारिश की बड़ी बड़ी बूंदे बारिश आने वाली है, तभी बारिश की बूंदे गिरने लगी. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. नॉर्थ ईस्ट से बड़े बड़े पहाड़ जैसे बादल आते हुए दिखाई दिए और बारिश की वजह से एयर जो थी वो बहुत ज्यादा फ्रेश एंड स्वीट हो गई थी. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. Man is Lencho here. Lencho जो है वो बारिश में बाहर जाता है सिर्फ इसलिए ताकि वो बारिश को अपनी बॉडी पर फील कर सके, खुश हो सके. And when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky. These are new coins." तो जब वो अंदर आता है वो बोलता है कि ये बारिश की बूंदे नहीं है, ये तो नए कॉइन्स हैं, सिक्के हैं. बड़ी बूंदे 10 सेंट और छोटी बूंदे 5 सेंट है. द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5 सेंट. मीन्स अ सब यूनिट ऑफ करेंसी.
वहां मेक्सिको की करेंसी है पेसोस, और पेसोस का जो छोटा एक सब यूनिट है दैट इज सेंट। जैसे हमारे इंडिया की करेंसी है रुपया और उसका सब यूनिट है पैसा, सेम लाइक दैट। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड्स ऑफ कॉर्न, राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन। वो बहुत ही खुशी खुशी से अपने खेतों को देखने लगा जो बारिश से कवर हो चुके थे। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। हेल स्टोन्स मीन्स फ्रोजन रेन। हियर इन द पिक्चर यू कैन सी, यहाँ पर हेल स्टोन्स है। ये हेल स्टोन मीन्स ओले, जो बर्फ की जमी हुई बूंदे गिरती हैं। तो तभी सडनली क्या होने लगा, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। और तभी तेज हवा चलने लगी और बरसात के साथ बहुत बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, द बॉय एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन, आई होप इट पासेस क्विकली। ये जो रेन, फ्रोजन रेन थी, जो हेल स्टोन्स थे, वो रिजेंबल तो कर रहे थे, रिजेंबल मीन्स मिलता जुलता होना, सिल्वर कॉइन्स है, सिल्वर कॉइन्स की तरह चमक तो रहे थे, बट दीज आर नॉट गुड फॉर फील्ड्स फॉर हार्वेस्ट। बॉयज जो थे उन्हें कलेक्ट करने के लिए बारिश में बाहर गए, जैसे हम लोग कभी कभी ओलों को कलेक्ट करने लग जाते हैं, सेम लाइक दैट। मैन एक्सक्लेम्ड इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब तो ये बहुत ज़्यादा खराब होता जा रहा है। ही एक्चुअली ही होप्ड कि अच्छी सी बारिश हो जाए, बट उसने कभी भी ये होप नहीं की थी, उसकी ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना ज़्यादा ओले गिरेंगे और पूरी फसल खराब हो जाएगी। सो वो उम्मीद करने लगा कि ये जल्दी से जल्दी बंद हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, फॉर एन आवर द हेल रेंज ऑन द हाउस द गार्डन द हिल साइड और द कॉर्न फील्ड ऑन द होल वैली। और अब ये जल्दी नहीं रुके, बंद नहीं हुए। एक घंटे तक ओले घर पर, गार्डन में, हिल साइड, कॉर्न के खेतों में और पूरी वैली में गिरते रहे। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। फील्ड, खेत जो था, वो पूरा का पूरा सफेद हो गया ओलों से, जैसे कि उस पर नमक बिखेर दिया गया हो या वो नमक से कवर हो गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। पूरा खेत सफेद हो गया, पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं रहा, कॉर्न पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया, पूरे तरीके से बर्बाद हो गया, और पौधों से भी सारे के सारे फूल झड़ गए। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। लेंचो बहुत ही उदास हो गया। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। प्लेग इज एपिडेमिक, कोई भी प्रॉब्लम का, कोई भी बीमारी का फैल जाना। एंड लोकस्ट मीन्स ग्रास होपर, पिक्चर में आप देख सकते हैं ग्रास होपर इज टिड्डे। तो अगर ये खेतों पे अटैक करते हैं, ये खेतों को खा जाते हैं, तब भी हमारे पास कुछ ना कुछ बच जाता है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, और ओलों की वजह से हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। दिस ईयर विल हैव नो कॉर्न, और इस साल हमारे पास शायद कुछ भी फसल नहीं होगी। दैट नाइट वॉज अ सॉरफुल वन, All our work for nothing, there is no one who can help us. We'll all go hungry this year. वो रात बहुत ही ज़्यादा sad थी, दुखद थी, और लेंचो बहुत ही दुखी हो गई, सब कुछ बोलने लगा कि हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई और ऐसा अब कोई भी नहीं है जो हमारी help कर सके, इस साल शायद हमें हंगरी ही, भूखा ही रहना पड़ेगा। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope. बट वो उस अकेले से इकलौते घर में जो सारे लोग रहते थे, उन सभी के दिल में कहीं ना कहीं एक सिंगल होप थी, एंड दैट वॉज हेल्प फ्रॉम गॉड, कि शायद उन्हें भगवान से कुछ ना कुछ हेल्प मिले। डोंट बी सो अपसेट, इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। सो अब लेंचो सभी को एक होप देने लगा कि हमें अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है, इवन दो हमारे सारे फील्ड्स बर्बाद हो चुके हैं, बट हमें ये याद रखना चाहिए कि भूख से कोई भी नहीं मरता, क्योंकि कहते तो ऐसे ही हैं कि भूख से कोई नहीं मरता।
विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. बाकी की स्टोरी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में. आई होप ये चैप्टर आपको समझ आया हो. इफ यू लाइक द वीडियो डू हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.